झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एस के द्विवेदी की अदालत में अधिवक्ता राजीव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपित अधिवक्ता राजीव कुमार को हाई कोर्ट से राहत मिली है। जस्टिस एस के द्विवेदी की अदालत ने उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है। अदालत ने उन्हें 1-1 लाख के 2 निजी मुचलके पर रिहा करने का निर्देश दिया है। बता दें कि एक केस को मैनेज करने के नाम पर कोलकाता पुलिस ने उन्हें 50 लाख के साथ गिरफ्तार किया था। राजीव कुमार को बंगाल पुलिस ने गत 31 जुलाई को 50 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार करने का दावा किया था। इस मामले में अधिवक्ता राजीव कुमार पर वहां हेयर स्ट्रीट थाने में व्यवसायी अमित अग्रवाल ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अमित अग्रवाल ने दावा किया था कि उनके विरुद्ध झारखंड उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका मैनेज करने के नाम पर अधिवक्ता ने 10 करोड़ रुपए की मांग की थी। 1 करोड़ रुपए पर बात पक्की हुई थी, जिसकी पहली किश्त के रूप में 50 लाख रुपए लेने के लिए वे कोलकाता गए थे, जहां अमित अग्रवाल ने बंगाल पुलिस की मदद से उन्हें गिरफ्तार करवाया था। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।